हेलो एवरीवन, आज डेट है 25 जुलाई 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स UPSC स्टेट PCS एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि कोलेरू लेक को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था ब्रह्मपुत्र रिवर को लेकर के, तो ब्रह्मपुत्र रिवर को अगर हम मैप में व्यू करें, ब्रह्मपुत्र रिवर एक ट्रांसबाउंड्री रिवर है जो फ्लो होती है तिब्बत, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में। ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन साउथ वेस्ट तिब्बत वाले रीजन में चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, वहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन होता है। तिब्बत रीजन में ब्रह्मपुत्र रिवर को यारलांग सांगको के नाम से जानते हैं। उसके बाद में ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया के अरुणाचल प्रदेश स्टेट में एंट्री करती है। वहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर में टू माउंटेन स्ट्रीम जो हैं आकर के मर्ज होती हैं, और उन टू माउंटेन स्ट्रीम के नेम हैं दिबांग रिवर एंड लोहित रिवर। इस कन्फ्लुएंस के बाद में ब्रह्मपुत्र रिवर को अरुणाचल प्रदेश स्टेट में दिहांग रिवर के नाम से जानते हैं। उसके बाद में इंडिया में आसाम स्टेट में फ्लो होती है ब्रह्मपुत्र रिवर, और आसाम स्टेट में इसको लुइत या फिर दिलाऊ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बांग्लादेश कंट्री में फ्लो होती है ब्रह्मपुत्र रिवर, और वहाँ पर इसको जमुना के नाम से जानते हैं। फिर गंगा रिवर जो है वो आकर के गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर आपस में मर्ज होती हैं, फिर इनको पद्मा के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट इसमें मेघना रिवर मर्ज होती है, फिर इनको मेघना के नाम से जाना जाता है। और लास्ट में ये सुंदरवन डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स अब हम डिस्कस कर लेते हैं। जब भी कोई रिवर फ्लो होती है तो उसकी कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती हैं और कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती हैं। सबसे पहले अगर हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को अगर हम डिस्कस करें तो इसमें है लाहसा रिवर, लोहित रिवर, धनसीरी रिवर एंड कोलोंग रिवर। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को अगर हम डिस्कस करें तो इसमें इंपॉर्टेंट है कामेंग रिवर, मानस रिवर, सुबनसिरी रिवर, तीस्ता रिवर। ये इंपॉर्टेंट रिवर हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। जब भी आप किसी रिवर को व्यू करो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रिवर जो है वो किस एरिया से आकर के मेन रिवर स्ट्रीम में आकर के मर्ज हो रही है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में स्पेसिफिक जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं उनको लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, द हिंदू को डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में हम शेयर करते हैं। वोल्केनो अकेडमी आप सभी के लिए मेंटोरशिप प्रोग्राम लेकर के आया है। वो सारे एस्पायरेंट्स जिनका टारगेट 2023 UPSC है, उन सभी के लिए ये मेंटोरशिप प्रोग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिक फीचर जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को व्यू कर सकते हो, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इससे रिलेटेड लिंक जो है आपको दिया हुआ है। इसमें हमारे जो मेंटोर हैं वो आपका जो प्रोसीजर होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का, और स्पेसिफिक अगर हम बात करें UPSC की, तो UPSC में कंटिन्यूटी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बार बार हम टॉपर्स की जब टॉक आपने सुनी होगी तो उसमें उन्होंने यही बात बोली होगी कि जो स्टूडेंट कंटिन्यू अपने स्टडी में रहता है, चाहे उसकी डेली बेसिस पर अगर हम क्वांटिटी बेसिस पर देखें, चाहे स्टडी कम हो रही है, लेकिन अगर अपनी स्टडी में वो कंटिन्यूटी बेसिस पर है तो रियली में वो अपने इस एग्जाम को क्रैक कर ही लेता है। हमारे मेंटोर यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर टारगेट देंगे, उन टारगेट को आपको अचीव करना होगा, और फिर उसके बेसिस पर वीडियो डिस्कशन के थ्रू उस टॉपिक में किस तरीके के क्वेश्चन प्रीलिम्स में एंड मेंस में पूछे जाएंगे, ये सब कुछ आपके साथ में डिस्कस किया जाएगा। ओके, मींस प्रीलिम्स और मेंस की UPSC 2023 के लिए इंटीग्रेटेड फॉर्म में यहाँ पर आपके लिए प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो इसके प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। जो अर्ली 100 स्टूडेंट जो हैं उनको यहाँ पर अर्ली बेनिफिट दिया जा रहा है, तो इस आप जल्दी से जल्दी इस एक्सेस कर सकते हैं इस प्रोग्राम को, और आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। जो हमारा डेमो फीचर है इस प्रोग्राम का, उसको जाकर के आप व्यू कर सकते हैं कि किस तरीके से हर सब्जेक्ट को यहाँ पर कवर किया जाएगा, और फिर किस तरीके से उसका पोस्ट एनालिसिस किया जाएगा उस टॉपिक का। ओके, द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़, और फर्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड है नीरज चोपड़ा को लेकर के। आप सभी को पता है 2021 में जब
ओलंपिक गेम हुए थे 2020 में, होने वाले थे टोक्यो में, लेकिन कोविड की वजह से उनको एक्सटेंड कर दिया गया। उस टाइम नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल लेकर के आए थे। और अभी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप जो US के ओरेगोन में चल रही है, वहाँ पर उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। 88.13 मीटर का उन्होंने यहाँ पर जो भी जो है भाला जो फेंकते हैं वो यहाँ पर उनका प्रोसीजर कंप्लीट हुआ और उन्होंने यहाँ पर सिल्वर मेडल हासिल किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप सभी को पता है हमारे इंडिया की नेक्स्ट प्रेसिडेंट बन गई है 15 नंबर की द्रौपदी मुर्मू, और आज उनकी ओथ सेरेमनी होने वाली है। इससे पहले जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, उन्होंने फेयरवेल एड्रेस किया हमारी कंट्री को और इसमें कुछ स्पेसिफिक बात बोली। उन्होंने बोला कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि आप एक पॉइंट में क्या रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, क्या अपनी बात रखना चाहेंगे, तो उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि हमारी कंट्री को, और स्पेसिफिक ना सिर्फ कंट्री को, जो हमारा यूथ है उसको लेकर के क्लाइमेट चेंज को लेकर के एक अवेयरनेस होनी चाहिए। क्लाइमेट चेंज जिस तरीके से आ रहा है, जिस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है, जिस तरीके से उसके पोस्ट इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा फ्यूचर में। तो हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, स्पेसिफिक जो भी यूथ है उनको अपने विलेजेस टाउन के लिए, जो उनकी रूट्स हैं उनके लिए ज़्यादा अवेयर होना चाहिए, फोकस करना चाहिए क्लाइमेट को लेकर के कि किस तरीके से जो एमिशन है वो कम किया जाए, ताकि हम हमारा नेशनल टारगेट जो है उसको भी अचीव कर पाएँ और जो हमारा एटमोसफियर है वो भी काफ़ी क्लीन रह पाए। ओके, यहाँ पर जो रामनाथ कोविंद हैं उन्होंने हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं उनके बारे में बताया कि किस तरीके से जब उनकी प्रेसिडेंटशिप, उनकी जो टर्म रही उसमें किस तरीके से जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं उनके लाइफ के जो भी इम्पोर्टेंट टीचिंग्स हैं उनका उन्होंने यहाँ पर यूज़ किया। तो यहाँ पर कुछ नेम लिए हैं जिनसे रिलेटेड हम कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद ये ऐसे प्रेसिडेंट रहे हैं, हमारे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट जो लगातार दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए इंडिया के प्रेसिडेंट बने थे। एस राधाकृष्णन जो हैं वो हमारे सेकंड प्रेसिडेंट बने। इसके बाद में APJ अब्दुल कलाम जो हैं, APJ अब्दुल कलाम ऐसे मुस्लिम प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के जिन्होंने अपनी कंप्लीट टर्म कंप्लीट की थी, मतलब अपनी जो टर्म है 5 ईयर की जो टर्म होती है प्रेसिडेंट पोस्ट की वो कंप्लीट की थी। इससे पहले जो है वो अगर हम बात करें जाकिर हुसैन एंड फखरुद्दीन अली अहमद जो हैं, ये मुस्लिम प्रेसिडेंट थे लेकिन वो अपने टर्म पर, अपनी पोस्ट पर रहते हुए ही उनकी डेथ हो गई थी। तो APJ अब्दुल कलाम जो हैं वो ऐसे मुस्लिम प्रेसिडेंट जिन्होंने अपनी टर्म को कंप्लीट किया था। इसके बाद में श्री प्रणब मुखर्जी के बारे में उन्होंने बात की है कि प्रणब मुखर्जी जो हैं वो अगर हम बात करें तो इनसे पहले प्रेसिडेंट थे, और प्रणब मुखर्जी जो हैं वो पहले बंगाली प्रेसिडेंट, बंगाली कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले प्रेसिडेंट थे। ओके, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो हमने डिस्कस किए प्रेसिडेंटशिप पर, जो भी अभी इस पोस्ट पर जो भी पर्सन रह चुके हैं उनसे रिलेटेड एक अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि इस बार के प्रीलिम्स में अगर हम देखें तो सोमनाथ मंदिर में राजेंद्र प्रसाद ने कब विजिट की थी इसको लेकर के क्वेश्चन आ गया था। ओके, तो जो भी हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं जब भी कोई टर्म न्यूज़ में हो उसके आसपास वाले रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है ना वो हमें पता होना चाहिए। तो सोमनाथ टेम्पल लास्ट ईयर न्यूज़ में था जिसकी वजह से उसको लेकर के क्वेश्चन पूछ लिया गया। यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो मंकी पॉक्स को लेकर के है। दिल्ली में हाई अलर्ट रिलीज़ कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर जो केस रजिस्टर हुआ है मंकी पॉक्स डिजीज को लेकर के उसकी कोई भी फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इसको लेकर के ये इशू क्रिएट हो गया है कि अगर फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है फिर भी मंकी पॉक्स के अगर केसेस देखने को मिल रहे हैं तो हो सकता है कि इसके और केसेस देखने को मिले। अभी प्रेजेंट टाइम में ये इंडिया का 4th केस है जिसकी कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं देखने को मिली है। साउथ में जो केसेस मिले हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री देखने को मिली है। यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में कितने केसेस हैं उसके बारे में यहाँ पर ग्राफ के थ्रू शो कर रखा है कि स्पेन में 3,125 केसेस हैं, इंडिया में अभी तक 4 केस सामने आए हैं। देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर कर दिया है। सेम इसी तरीके से इबोला को लेकर के अगर हम बात करें तो जीका वायरस को लेकर के, कोविड वायरस को लेकर के जो है वो WHO ने इसी तरीके के अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की थी। यहाँ पर अगर हम बात करें जो मंकी पॉक्स डिजीज जो है वो पहले मंकीज में इसको देखा गया था, और जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट में जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये एंडेमिक डिजीज़ के रूप में है, लेकिन 1970s के टाइम में पहली बार इसमें ह्यूमन में इस डिजीज़ को देखने को मिला, मतलब एनिमल टू ह्यूमन ये ट्रांसफ़र देखने को मिलती है। इसका स्प्रेड की अगर हम बात करें तो ये जूनोटिक डिजीज़ है, एनिमल टू ह्यूमन स्प्रेड होती है और ह्यूमन टू ह्यूमन भी आपस में स्प्रेड ये देखने को मिल रही है।
नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और आर्टिकल रिलेटेड है गोदावरी रिवर को लेकर के। आंध्र प्रदेश ने अलर्ट रिलीज कर दिया है कि गोदावरी रिवर में जिस तरीके से वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर कोस्टल रीजन में जो भी एरिया है वहाँ पर इशू क्रिएट हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर गोदावरी रिवर से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। गोदावरी रिवर जो है अगर हम पेनिनसुलर इंडिया में कंपैरिजन करें तो पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर के रूप में फ्लो होती है। गोदावरी रिवर का ओरिजिन जो है वो महाराष्ट्र स्टेट में त्र्यंबकेश्वर से होता है। टू इम्पोर्टेंट एरिया जो है इसके ऊपर लोकेटेड हैं जिसमें एक नासिक है और एक है भद्राचलम। महाराष्ट्र से ओरिजिन होने के बाद में ये तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से फ्लो होती हुई लास्ट में बे ऑफ बंगाल में अपने वाटर को मर्ज करती है। गोदावरी रिवर की कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी और कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को अगर हम डिस्कस करें तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के इंपॉर्टेंट नेम है पूर्णा रिवर, प्राणहिता रिवर, इंद्रावती रिवर एंड सबरी रिवर। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में इंपॉर्टेंट नेम है जिसमें नेम है धरना रिवर, प्रवरा रिवर, सिंधपारा रिवर, मंजरा रिवर, पेडावागू रिवर एंड मानेर रिवर, पेडावागू रिवर। ये जो प्राणहिता रिवर है ना, जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गोदावरी रिवर की, ये थ्री इंपॉर्टेंट स्ट्रीम से मिलकर के बनती है जिसमें नेम है वेन गंगा, पेन गंगा एंड वर्धा रिवर। ये जो प्राणहिता रिवर जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गोदावरी रिवर की, वो गोदावरी रिवर की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ओके, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हो गए हैं गोदावरी रिवर को लेकर के जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर फ्रंट पेज पर ही है। देखो, इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने टारगेट लिया था कि 2022 तक हम 60,000 मेगावाट के विंड पावर प्रोजेक्ट्स को इंस्टॉल कर देंगे, लेकिन अभी तक जो टारगेट हमने लिया था उसका 2/3 ही हम अचीव कर पाए हैं। तो यहाँ पर अब जो गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है, उन्होंने ये बोला है कि वो रिवर्स ऑक्शन के ऊपर काम करेंगे। मतलब यहाँ पर जो है वो कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया की अवेलेबिलिटी हो सके, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो विंड प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो फेवरेबल एरिया होने चाहिए, फेवरेबल जो लोकेशन होनी चाहिए, उनकी काफ़ी कम अवेलेबिलिटी है। तो ये रिवर्स ऑक्शन होता क्या है इसको अगर हम डिस्कस करें, देखो आपने ऑक्शन वर्ड सुना होगा। ऑक्शन वर्ड में क्या होता है, एक बायर होता है, एक सेलर होता है और खूब सारे यहाँ पर बायर होते हैं। ओके, तो यहाँ पर बायर क्या करते हैं, खरीदने वाले क्या करते हैं, जैसे सेलर ने यहाँ पर प्राइस जो है डिसाइड किया, फिर बायर जो है एक के बाद यहाँ पर जो प्राइस है उसको इंक्रीज करते जाएंगे कि मैं इतने में खरीद लूँगा, मैं इतने में खरीद लूँगा, मैं इतने में खरीद लूँगा। रिवर्स ऑक्शन क्या होता है, रिवर्स ऑक्शन में ये प्रोसीजर उल्टा होता है। यहाँ पर जो है बायर जो है वो एक होगा और जो सेलर होंगे वो खूब सारे होंगे। तो यहाँ पर सेलर जो है उनको अपना सामान बेचना है तो वो अपने प्राइस क्या करते जाएंगे, डिक्रीज करते जाएंगे कि मैं इतने में ही दे दूंगा आपको, मैं इतने में ही दे दूंगा, मैं इतने में ही दे दूंगा। ओके, तो ये रिवर्स ऑक्शन होता है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री जो है इस प्रोसीजर को फॉलो करेगी ताकि जो लिमिटेड एरिया है उसको हम एक्सेस कर सकें, ताकि फेवरेबल कंडीशन वहाँ पर अवेलेबल हो विंड एनर्जी को प्रोजेक्ट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है WTO, ओके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अभी मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुई थी 12th नंबर की। इसमें बताया गया है कि डेवलप्ड वर्ल्ड के लिए इसमें क्या क्या चीज़ें सामने आई और इंडिया को इसमें क्या क्या देखने को मिला। इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो, इंडिया ने जब कोविड आया उस टाइम इंडिया ने ये बोला था कि जो भी ट्रिप्स एग्रीमेंट के थ्रू जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दिए जाते हैं वो ना दिए जाएं वैक्सीन डेवलपर कंट्रीज़ को, ताकि सभी कंट्रीज़ के लिए ये अवेलेबिलिटी हो सके। ओके, इसमें इंडिया और साउथ अफ्रीका ने साथ में मिलकर के इनिशिएटिव स्टार्ट किया था ताकि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी सभी कंट्रीज़ को लेकर के हो सके। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि कुछ कंट्रीज़ ने इसका अपोज किया था जहाँ पर स्पेसिफिक वैक्सीन का डेवलपमेंट देखने को मिला था। दूसरा, यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि जब ये मिनिस्ट्री की मीटिंग हुई तो इसमें कोई भी जो इम्प्लीमेंट इंडिया ने कोशिश की कि इसको ऑल टाइम के लिए रेगुलेट किया जा सके, लेकिन इसके ऊपर जो मेजॉरिटी में फोकस नहीं किया गया। दूसरा बेसिक प्रॉब्लम ये है कि फिशिंग को लेकर के इंडिया को बार बार एलिगेशन इंडिया के ऊपर लगते हैं कि इंडिया अपने आसपास वाले एरिया में इस तरीके से जो भी फिशरमैन हैं उनको इतनी सब्सिडी प्रोवाइड करता है, इतनी मैकेनाइज्ड उनको
जो मशीनरी है वो प्रोवाइड कर रखी है, जिससे काफ़ी जो सी बेड है वहाँ तक जा कर के काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट होते हैं। मतलब फिशरीज़ को लेकर के भी जो एक रिज़ल्ट निकल करके आना चाहिए था वो भी यहाँ पर नहीं निकल करके आया। नेक्स्ट, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है उसको एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो उसका बेचना होता है, जो उसकी सेलिंग होती है, उसको लेकर के इंडिया ने बात बोली थी। इंडिया ने ये बोला था कि जो अभी ई प्लेटफॉर्म हम देख रहे हैं उसके थ्रू, जैसे कि अगर हम बात करें जैसे कि नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, इनमें जो भी स्ट्रीमिंग होती है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, उसके ऊपर भी टैक्स इम्प्लीमेंटेशन करने की बात की गई थी। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ और मैक्सिमम जो कंट्री जहाँ से ओरिजिन है ये प्लेटफॉर्म, उन्होंने इसका प्रोटेस्ट किया कि इसकी वजह से उनको मैक्सिमम जो टैक्स है वो देना पड़ सकता है। तो ये कुछ इश्यूज ये जिसके बेसिस पर ये देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनके ऊपर इंडिया को गेन होना चाहिए था, जिनके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर डेवलप्ड वर्ल्ड के लिए जो है वो गेन देखने को मिला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो ये जो आर्टिकल है वो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, IR के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, ओके, उसको लेकर के भी ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इस आर्टिकल में बताया गया है, जो राइटर हैं उन्होंने स्टार्ट किया है कि राजस्थान का मनरेगा स्कीम के अंडर उन्होंने एक एग्जांपल लिया है कि राजस्थान में एक मनरेगा वर्कर थे नाथोबा। नाथोबा जो है वो अपने मनरेगा में जो भी उनको मनी मिलता है वो उसको अवेल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जब भी वो बैंक जाते, बैंक में जा कर के अपने जो भी कोशिश करते अपने फिंगरप्रिंट्स को यूज़ करना, लेकिन फिंगरप्रिंट्स को वो यूज़ ही नहीं कर पाते क्योंकि काफ़ी डिफेक्टेड स्टेज में उनके फिंगरप्रिंट्स थे, ओके, जिसकी वजह से जो रिकॉग्निशन होना चाहिए उनके फिंगरप्रिंट्स बेसिस पर वो नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से जो भी उनकी वर्कर के बेसिस पर जो भी उनका डेली वेजेस आ रहे थे उनको वो एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। दूसरा, यहाँ पर जो बात बोली गई है वो आर्टिकल में बताया गया है ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिसको 1975 में लॉन्च किया गया था, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम में से एक है ये। इसमें डिसाइड किया गया है कि ICDS में कि 0 से 6 साल एज ग्रुप के, इसके अलावा प्रेग्नेंट वीमेन, लैक्टेटिंग मदर्स, इन सभी को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देने का प्रोवाइड किया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो गई जब 2013 के फूड सिक्योरिटी एक्ट में इसको इसका एक इंटीग्रल पार्ट बना दिया गया। इसमें क्या होता है, 2021 में पोषण ट्रैकर जो है वो इम्प्लीमेंट किया गवर्नमेंट ने, ताकि जो आंगनवाड़ीज़ के थ्रू जो हैं कितना इसमें जो भी इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, जो भी न्यूट्रिशन बेस्ड जो भी सप्लीमेंट यहाँ पर मिलना चाहिए वो कितना मिल पा रहा है, इसमें यहाँ पर कोशिश की गई। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो आधार कार्ड के बेसिस पर यहाँ पर ये अवेलेबिलिटी होती है, जो भी सप्लीमेंट यहाँ पर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बात बोली है कि आधार कार्ड के बिना भी जो भी इस तरीके के वांडरिंग जो लोग होते हैं, लेबरर्स होते हैं, उन सभी को, जैसे रीजनल एरिया में कोई आंगनवाड़ी है वहाँ पर जाकर के अगर इस तरीके की सप्लीमेंट की डिमांड की जाए तो उस आंगनवाड़ी वर्कर जो हैं उनको अवेलेबल करवाएंगे। लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर्स को जो बेसिक फीचर्स दे रखे हैं कि आपको आधार कार्ड लेना है, फिर उसी के बेसिस पर आपको क्या करना है, ये जो भी सप्लीमेंट है, जो भी न्यूट्रिशन फूड है वो प्रोवाइड करवाना है, ओके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आधार कार्ड जरूरी नहीं है, मतलब इस तरीके की अवेयरनेस अगर नहीं होती है तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है। तो यहाँ पर अब अवेयरनेस तो है नहीं, जो भी सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी टाइम टू टाइम इस तरीके के स्टेटमेंट देता है उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए गवर्नमेंट स्कीम को लेकर के, इसको लेकर के जो गवर्नमेंट है वो अपनी अवेयरनेस जो है जो अपने वर्कर्स में अवेयरनेस क्रिएट करते रहने चाहिए, ओके। तो यहाँ पर राइटर ने बताया है कि इससे ज़्यादा ह्यूमिलेटेड क्या होगा कि आपकी जो बॉडी है वो ही आपको आइडेंटिफाई करने से मना कर दें। अब आर्टिकल में ये एग्जांपल क्यों लिए गए हैं, इसका मेन रीज़न ये है कि प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि मनरेगा स्कीम में आपको ऑनलाइन जो है वो डेली बेसिस पर आपकी वो करनी होगी, अटेंडेंस देनी होगी, ओके। आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन में जो भी GPS मोड ऑन करके कि आप जिस एरिया में आपकी वर्किंग साइट है वहाँ पर जाकर के आप अपनी अटेंडेंस दोगे। तो यहाँ पर राइटर का बोलना है कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो जो मनरेगा वर्कर हैं उनके लिए आपने एक इकोनॉमिक बर्डन क्रिएट कर दिया है। दूसरा, अगर हम बात करें तो आपने यहाँ पर बात की है कि आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस होगी, मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में भी इस आर्टिकल में कुछ एग्जांपल दे रखे हैं कि अभी भी कुछ ऐसी साइट्स हैं, कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर
जो मोबाइल नेटवर्क है वो काफ़ी मुश्किल से पहुंचता है, तो वहाँ पर अगर आपको अटेंडेंस देनी है ऑनलाइन तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर राइटर ने ये बोला है कि डिजिटल लेयर्स जो हमने करने की कोशिश की है उसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी हुए हैं, लेकिन अभी भी उसके बहुत सारे नुकसान भी हैं, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं। हमें डिजिटल टेक्नोलॉजी को अवेल करना है तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमें इस तरीके से रेगुलेट करना होगा कि जो इनडिग्निटी देखने को मिलती है, जो इनह्यूमेन कंडीशन देखने को मिलती है, वो ना देखने को मिल सके। यहाँ पर जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में बताया गया है कि हमारे इंडिया में टाइम के साथ में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। ओके, अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो कुछ डाटा भी रिलीज़ हुए थे जिसमें बताया गया है कि आने वाले जो नेक्स्ट ईयर्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर इंडिया में 13.34 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रेजेंट टाइम में हैं, मतलब जिसमें से मैक्सिमम 50% जो है वो ई ऑटो या ई रिक्शा हैं। कंपैरिजन अगर हम करें तो देखो 27.81 करोड़ रजिस्टर्ड नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। देखो अगर हम कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन की तुलना में तो काफ़ी कम है, लेकिन धीरे धीरे ये रेशियो जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 19 में 0.76 जो है इतने व्हीकल ही जो थे वो इलेक्ट्रिक रजिस्टर्ड हुए थे जिनको ख़रीदना है। अब धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, इसके अलावा जितने ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट बनेंगे इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के उतने ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो भी बाइंग है वो ज़्यादा वो इंक्रीज़ होगी, सेलिंग जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो हमें देखो यहाँ पर भी हमने वही डिस्कस किया कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें डेवलप करना होगा, तभी जाकर के जो लोग हैं वो इजीली एक्सेस कर पाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो मंकी पॉक्स को लेकर के ही है। मंकी पॉक्स का जिस तरीके से आउटब्रेक देखने को मिल रहा है, आउटब्रेक मतलब किसी एरिया में कोई केसेस नहीं थे लेकिन अचानक से वहाँ पर संख्या केसेस की संख्या देखने को मिली, उसको बोलते हैं आउटब्रेक। ओके, जैसे कि कोविड के टाइम में वुहान जो एरिया है वहाँ पर कोविड की अचानक से जो केसेज हैं वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए तो उसको वहाँ पर आउटब्रेक बोला जा सकता है। तो यहाँ पर मंकी पॉक्स के बारे में बताया गया है कि मंकी पॉक्स जो है वो एक अनकॉमन वायरल इन्फेक्शन है जो यहाँ पर पहले वेस्टर्न और सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़ में ही था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में अदर कंट्रीज़ में भी ये स्प्रेड हो गया है। 1958 में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था और डेनमार्क में सबसे पहले एक जूनोटिक वायरस के रूप में इसको डिटेक्ट किया गया, जिसके बारे में बताया गया कि ह्यूमंस को भी ये इन्फेक्ट कर सकता है। इसके अलावा अदर एनिमल जो हैं जिसमें कि रोडेंट्स हैं, अदर प्राइमेट स्पीसीज हैं, उन सभी को भी इफेक्ट कर सकता है। पहला इसका जो केस है वो 1970 में ह्यूमंस में रजिस्टर हुआ था, लेकिन उससे पहले ही कोंगो में 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो जो है वहाँ पर इसका केस आया था। लेकिन इससे पहले अगर हम देखें तो 1958 के टाइम से ही ये पता है कि अफ्रीका में इस तरीके का कोई वायरस पाया जाता है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में पूरे वर्ल्ड में इसके केसेस जिस तरीके से इंक्रीज़ हो रहे हैं उसको लेकर के एक अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करने की कोशिश होनी चाहिए। और यहाँ पर WHO जो है उन्होंने भी इसको लेकर के जो प्राइमरी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, प्राइमरी जो एक अवेयरनेस होती है वो डिक्लेयर करने की कोशिश की है। इंडिया में भी इसके केसेस सामने आए हैं तो एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस तरीके से इसको रोका जा सके। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर, और यहाँ पर हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के। उन्होंने ये बताया कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो हमारे इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है। ओके, एक मिनट, वन सेकेंड। तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के कल भी हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें बताया गया है कि कुछ स्ट्रीट जो हैं, कुछ स्ट्रीट में ऐसे प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे जो वहाँ के जो यूथ हैं वो उसमें इन्वॉल्व थे, तो वहाँ एक तरीके से उन लोगों को अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करने के बाद में उनको ऐसा बोला जाता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर जो UT है उसके बाहर उन लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया, मतलब अदर स्टेट की जो प्रिजन है वहाँ पर। पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है उसके बेसिस पर ये प्रोविज़न जो है वो किया गया, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों ने वहाँ पर प्रोटेस्ट किया है कि उनके फैमिली मेम्बर के बारे में उनको पता होना चाहिए और अगर गवर्नमेंट नहीं बताएगी तो वो जुडिशरी में इस चीज़ को लेकर के इंटरवीन करेंगी। पब्लिक सेफ्टी एक्ट उसी तरीके से है जैसे हमारे इंडिया में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, मतलब इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी जो है वो कंट्री उसकी मेंटेन करने के लिए ये एक्ट जो है वो लाए गए हैं। ओके,
तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट में क्या होता है कि जुडिशरी में इंटरवीन किया जा सकता है जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, और उसी के बेसिस पर जो वो पर्सन जिनको अरेस्ट किया गया है उनको, उनका एक तरीके से उनको लेकर के जो प्रोसीजर है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के बोला गया है कि इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है और हमेशा से यहाँ की जो भी पॉपुलेशन है उसको इंडिया जो है वो अपना पार्ट मान करके वर्क करता है। यही रीजन रहा है कि स्पेशल स्टेटस के बेसिस पर ये माना जा रहा था कि इंडिया के इंटीग्रल पार्ट बनने में काफ़ी ज़्यादा कुछ यहाँ पर फ्लक्चुएशन देखने को मिलती थी। तो यहाँ पर जब इंडिया में जो लॉ इम्प्लीमेंट होंगे, अब वो जम्मू एंड कश्मीर में भी सेम इम्प्लीमेंट होंगे, मतलब इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर जो है उसमें सेम जो है वो प्रोसीजर इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। मीन्स यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया को डिक्लेयर करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर को ये सारे प्रोसीजर इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई है, ताकि वहां की जो पॉपुलेशन है उनको ये ना लगे। जैसे कि अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट में भी इसी तरीके के इश्यूज थे, फिर नॉर्थ ईस्ट में भी कोशिश की गई है कि वहां पर हर तरीके से कनेक्टिविटी देने की कोशिश की जाए, ताकि वहां पर जो सेपरेशन मोड देखने को मिलता है वो ना देखने को मिले। तो गवर्नमेंट जितनी ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करेगी लोकल पीपल में, लोकल पीपल में जितना ज्यादा बिलीफ क्रिएट करेगी उतनी ज्यादा इस तरीके के जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट देखने को मिलते हैं वो नहीं देखने को मिलेंगे। आज हमारे इंडिया की नई प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है उनको ओथ दिलवाई जाएगी। यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स रख रखे हैं कि द्रौपदी मुर्मू जो है सी वुड बिकम इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन कंट्री की 15th प्रेसिडेंट वो बनेंगी। सबसे सी विल बी द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू बी बोर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिया की पहली ऐसी प्रेसिडेंट है जो इंडिपेंडेंस के बाद में उनका जन्म हुआ और वो यंगेस्ट प्रेसिडेंट के रूप में भी इस पोस्ट के ऊपर आएंगी। इसके अलावा अगर हम वीमेन की से कंपैरिजन करें तो फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट इंडिया की प्रतिभा पाटिल थी, वो सेकेंड वीमेन प्रेसिडेंट होंगी। और 25 जुलाई को 1977 से अब तक 10th नंबर की वो वैसी प्रेसिडेंट बनेंगी जिनकी ओथ जो है वो 25th जुलाई को ही हुई है। नेक्स्ट आर्टिकल जो है, और आर्टिकल रिलेटेड है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने मीटिंग की कुछ स्टेट्स के प्राइम चीफ मिनिस्टर के साथ में, और उनके साथ में उन्होंने डिस्कस किया कि जो भी हमारी स्कीम्स हैं, जो भी हमारी स्कीम है उन सभी का बेसिक इम्प्लीमेंटेशन टाइम के साथ होते रहना चाहिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर। आज से जो है यहाँ पर बता रखा है कि 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन जो है वो कल से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, 5G स्पेक्ट्रम जो है उसको लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो भी हमारी इश्यूज हैं एक तरीके से कनेक्टिविटी को लेकर के उन सभी को सॉल्व किया जा सके। हाई क्वालिटी नेट कनेक्टिविटी जो है वो इसके थ्रू आ पाएगी, लेकिन इसको लेकर के कुछ इश्यू ये सामने देखने को मिले थे कि जिस तरीके से अगर हम बात करें 5G स्पेक्ट्रम में इसके किस तरीके से ऑक्शन होगा, कौन कौन सी कंपनीज़ को किस तरीके से रेगुलेट किया जाएगा, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अभी प्रेजेंट टाइम में जो कंपनीज़ हैं उन्होंने बोला था कि जो बेस प्राइस है उसने गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा हाई रखा है, तो इसको कुछ डिक्रीज़ किया जाना चाहिए, ताकि जो भी कंपनीज़ हैं उनका इन्वॉल्वमेंट जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिले। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है, अभी हमने देखा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में यूएन और टर्की दोनों ने मीडिएशन का रोल प्ले किया, और दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो ब्लैक सी की अवेलेबिलिटी रिस्ट्रिक्ट कर रखी थी रशिया ने यूक्रेन को लेकर के उसको अवेल कर दिया। और यहाँ पर उसके बाद में जैसे ही वो एग्रीमेंट हुआ उसके बाद में ओडिशा जो पोर्ट है उसके ऊपर अटैक किया रशिया ने यूक्रेन के, लेकिन उसके बाद में उस अटैक होने के बाद में जो यूक्रेन है उन्होंने अपना ग्रेन एक्सपोर्ट जो है वो करना स्टार्ट कर दिया है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो देखो श्रीलंका को लेकर के हैं कि श्रीलंका में जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो कैबिनेट है वो दोबारा से उन्होंने वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। ये जो आर्टिकल है नेक्स्ट वो चाइना को लेकर के है कि चाइना में अगर हम बात करें तो चाइना ने अपना सेकेंड स्पेस स्टेशन जो है उसका मॉड्यूल को लॉन्च किया है। ओके, चाइना ने संडे को अपना सेकेंड ऑफ थ्री मॉड्यूल्स, मतलब उनके थ्री मॉड्यूल्स हैं इस तरीके के स्पेस स्टेशन को लेकर के, उसका सेकेंड मॉड्यूल जो है वो उन्होंने परमानेंट स्पेस स्टेशन का थ्री मॉड्यूल्स में से जो सेकेंड मॉड्यूल है उसको लॉन्च किया है। एंड इन वन ऑफ द फाइनल मिशन नीडेड टू कम्प्लीट द ऑर्बिटिंग आउटपोस्ट बाई ईयर्स एंड, ईयर इस ईयर के लास्ट तक ये सारा जो उनका प्रोसीजर है वो कम्प्लीट हो जाएगा। ओके,
तो ये देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि किस तरीके से प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो एटमोस्फियर में या एनवायरनमेंट में या अगर हम देखें जो स्पेस लेवल पर कंट्री जो हैं वो कोशिश कर रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं उनकी कंट्री की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेसिस पर जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ताकि किसी भी वेदर इवेंट्स को लेकर के किसी भी इशूज़ को लेकर के वो फोर्थ कमिंग इसकी टेलीकास्ट कर सकें। इसको लेकर के टाइम टू टाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन सभी के ऊपर फोकस किया जा रहा है सभी कंट्रीज़ के द्वारा, और इसी की वजह से स्पेस में जितनी ज़्यादा यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है इसी की वजह से स्पेस डेब्रीज के ऊपर भी प्रेजेंट टाइम में फोकस किया जा रहा है कि जो सैटेलाइट जिन्होंने काम करना बंद कर दिया है उनको किस तरीके से वहां पर रिमूव करके दोबारा से अर्थ पर लाया जाए और उनको डिस्ट्रॉय किया जा सके। ओके, तो जो भी एटमॉस्फेयर में जो भी स्पेस में जो भी डेब्रीज हैं उन सभी को रेगुलेट करने की भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि उनकी वजह से जो है वो इशू क्रिएट हो सकते हैं। तो आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारी क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज जो है उसको व्यू कर सकते हो। डेली बेसिस पर जो भी करंट अफेयर्स हिंदू में इंडियन एक्सप्रेस में आप सभी के साथ में जो डिस्कस किए जाते हैं, इंडियन एक्सप्रेस जो भी न्यूज़पेपर हैं आप रेगुलर न्यूज़पेपर को स्टडी करो, फिर उसमें जो करंट अफेयर्स हैं उसको लेकर के क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज डेली हम अपलोड करते हैं उसको जाकर के आप व्यू कर सकते हो। इसके दो बेनिफिट आपको होंगे, एक तो आपको पता चलेगा कि करंट अफेयर्स से किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, और दूसरा आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो रेगुलर जब आप करंट अफेयर्स के टच में रहेंगे तो अगर आपने जो रेगुलर पढ़ा उसको आप क्वेश्चन एंड आंसर्स के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं तो वो जो एरिया है वो जो न्यूज़ है वो आपको परमानेंटली याद रहने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसके अलावा हमने वीकली करंट अफेयर्स एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, इसमें वीक में हर सब्जेक्ट में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है उस न्यूज़ के बारे में उसके जो भी बेसिक फैक्ट्स हैं उनको हम रिवाइज़ करने की कोशिश करेंगे, ताकि वीक में जो भी आपने स्टडी की उनको आप एक कंपाइल फॉर्म में यहाँ पर रिवाइज़ कर सको, और स्पेसिफिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में भी आपके रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा इजी आपके लिए सारे प्रोसीजर हो जाएं। इसी के लिए ये नया इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है। तो अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगे तो आप कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हो, हम रेगुलर इसको रख सकते हैं। ओके, थैंक यू।